अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम फहद रिन, लेक्चर इन केमिस्ट्री। लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। टुडे डिस्कस अबाउट दी नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। ऑफकोर्स प्लांट्स आर दे आल्सो गुड नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसमें तीन नेचुरल सोर्सेज पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले कोल है। कोल के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें राउट कोल है, बिचमिनस कोल है। तो जो बिचमिनस कोल या सॉफ्ट कोल जो है, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसकी जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्ट करना मीन्स के तोड़ना। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है कि हीटिंग दी सब्सटेंस आर कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी में हम उसको हीट करते हैं, कम्बस्ट करते हैं। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि कोल में से डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, गैसेस प्रोडक्ट निकलते हैं, लिक्विड प्रोडक्ट और सॉलिड प्रोडक्ट। गैसेस प्रोडक्ट में फ्यूल गैस, लिक्विड प्रोडक्ट में कोल टार जो है, थिक लिक्विड निकलता है, और जो सॉलिड उसमें से कोक निकलता है। तो अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ब्रैकेट में मैंने डेफिनेशन लिख ली है, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल विल गिव तीन किस्म के प्रोडक्ट्स, ए, बी और सी। गैसेस प्रोडक्ट में कोल गैस, कोल टार और कोक। कोक जो है प्योर कार्बन है, वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, आयरन बनाने में इसका रोल होता है, आयरन को मेल्ट करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अब जो कोल टार है उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, हम चाहते हैं कि कोल टार से मज़ीद हम कंपाउंड्स को अलग करें, तो उसकी हम डिस्ट्रक्टिव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। एक्चुअली डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है वो ये है कि लिक्विड्स को सेपरेट आउट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फिर डिस्टिलेशन के बहुत सारी टाइप्स हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, स्टीम डिस्टिलेशन है, वैक्यूम डिस्टिलेशन है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहाँ पे काम आती है कि ऐसे लिक्विड्स जिनकी बॉइलिंग पॉइंट करीब करीब होती है, फॉर एग्जांपल एक की बॉइलिंग पॉइंट 108 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे की 108.5 है, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड का, हाफ डिग्री सेंटीग्रेड का थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, तो उसके लिए सिर्फ डिस्टिलेशन काफ़ी नहीं होती, उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पार्ट्स होते हैं उस कॉलम के अंदर, फ्रैक्शंस होते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेशन ऑफ लिक्विड कंपाउंड ऑन बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विद वेरी स्मॉल डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होगा, उसकी सेपरेशन लिक्विड की करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसको हीट करेंगे तो उसको हम कहेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब कोल टार अगर 100 kg है तो उसमें से 1-2 kg बेंजीन जो है वो हासिल होता है ऑन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हीट करने से। अब हम बात करेंगे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस जो है वो सुई गैस है, सुई शहर बलूचिस्तान का, जहाँ से ये गैस जो है फर्स्ट टाइम दरियाफ्त की गई, इस वजह से इस गैस का नाम रख दिया गया सुई गैस, पर जनरली इंटरनेशनली से नेचुरल गैस जो है कहा जाता है। सुई गैस में जो मेजर कंपोनेंट है 94.6% जो है वो मीथेन गैस है, CH4 जिसका फार्मूला है। और सेकंड नंबर पे नाइट्रोजन है 3.88%, और थर्ड नंबर पे जो है इथेन गैस है 1.05। इसके अलावा और भी गैसेज हैं, हाइड्रोजन गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हैं, मगर जो मेजर क्वांटिटी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है ऑफ दी नेचुरल गैस। उसके बाद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो है एक कंबाइंड स्टेट है जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हासिल होते हैं, पेट्रोल उसमें से हासिल होता है, जिसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में गैसोलीन कहा जाता है, मट्टी का तेल हासिल होता है, केरोसिन जिसे कहते हैं, डीजल होता है इसमें से, इसमें से गैसेस जो हैं वो हासिल होती हैं, पेट्रोकेमिकल्स हासिल होते हैं इसमें, नेफ्था हासिल होता है। एनीवे सो पेट्रोलियम इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी कंपाउंड्स। पेट्रोलियम वर्ड लेटिन वर्ड से लिया गया है, पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, मीन्स के रॉक ऑयल, क्योंकि मोस्टली ये बिलो अर्थ सरफेस से हासिल किया जाता है, ज़मीन के अंदर से निकलता है, तो इसको नाम दिया गया रॉक ऑयल, कि रॉक्स के अंदर से जो ऑयल निकल रहा था उसे इन्होंने नाम दे दिया पेट्रोलियम। और इसका दूसरा नाम क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है। तो क्रूड ऑयल विच इज़ विस्कस, गाढ़ा लिक्विड होता है जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, फाउंड बिलो अर्थ सरफेस। तो ये पेट्रोलियम की डेफिनेशन हो गई।
इट कंटेंस, इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, अल्केन होते हैं, फंक्शनल ग्रुप अल्कीन होते हैं, साइक्लो अल्केन होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आप चैप्टर नंबर 6 और 7 में फंक्शनल ग्रुप और ये मज़ीद उसके हवाले से सीखेंगे। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, वही इसी तरह से जैसे हमने कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर पेट्रोलियम की करेंगे, क्योंकि उस वो भी लिक्विड है, लिक्विड की सेपरेशन करनी है और उसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो उस प्रोसेस को रिफाइनिंग कहा जाता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जिसकी मदद से बहुत सारे और कंपाउंड जो हैं हासिल होते हैं। तो ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद, और अपने कमेंट ज़रूर दें, जो क्वेश्चंस हों, जो सजेशन हो ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।